So I am exploring Thane street market today. I'm not going to any other part of the Mumbai markets because Thane में सब कुछ मिल जाता है. तो मेरी शॉपिंग की शुरुआत हो रही है अगले मार्केट से एंड इट विल एंड एट जामीना का मार्केट. सो लेट्स एंजॉय दिस शॉपिंग. बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू. ये कितने का भैया? 200 का जोड़ी. हाँ 200 का जोड़ी. 200 का जोड़ी. ये 250. ये कितने का है? हाँ 120 का 5. ये कितनी लाए? हाँ हाँ नहीं नहीं थैली नहीं लगेगा. थैली नहीं चाहिए. मैं अपना झोला लेके आती हूँ. ये कितने की है प्राइस तो बताइए. वो ब्लैक कलर की पैंट नहीं आई ना, प्लाजो टाइप ऐसी ब्लैक में. अब बट उस वक्त पितृपक्ष चल रहा था तो मैंने बोला ना था. आपने बोला था पर मैंने कहा था कि पितृपक्ष में नहीं लेते, खरीदी नहीं करते. तो मैं जा रही थी, मुझे दिख गया. हाँ पूछ के चली गई. मुझे लगा चलो कुछ दिन बाद रहेगा पर नहीं था. ये आ जाना चाहिए वैसे तो इनको. ठीक है ये वाला दे दीजिए. पूरा सेट है ना ये? पूरा सेट है. इसका पैंट देखो. लोकल है इसका. लोकल है. और सब पठानी वाला सलवार आता है वैसा है. पठानी सलवार का लगा आदमी वाला पता चल यहाँ से. दो सौ लगा दो. वो आएगा ना 250 वाला. ये है 2 फूल वाला. हाँ वो बड़े बड़े फूल है ना, ये छोटे छोटे फूल है. छोटे फूल है. 5 फूल की है. ये कितने का भैया? हाँ 300 का है. और ये वाला की गोल्डन घे पाचा. अब हाँ भैया ये वाला भी निकालिए ना. ये वाला दे दीजिए. कितना लगाओगे? 200 लगा दीजिए. अरे 200 ठीक है भैया. हाँ जी भाव नहीं, टेंशन ना लो. आपके घर में भाव निकाल सकते हैं. ये कितने का है? उसके पहले 100 रुपये हुआ था क्या? ये कितने लाए? 100 रुपये. अंकल ये कितने का है? नहीं भाई कितने? ये 400 रुपये दर्जन. यानी 200 रुपये आधा दर्जन. दर्जन ही बेचना, आधा नहीं. ऐसा है आधा आधा मिलेगा क्या? मिलेगा ना.
करें तीनों में से दो दो दे दो। कितने दे दूं? आधा दर्जन। दो दो कलर तीनों में से दे दो। तीन कलर है ना? अच्छा यार धर में दो इसमें से दे दो, दो बीच वाला और दो नीचे वाला। दो 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 नहीं नहीं छह, हाँ छह चाहिए ना, दो इधर से दो इधर से दो इधर से दो 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 क्या? दो 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 दोनों पीस अलग छह पीस अलग दे दे तब एक ही बात है ना। नाम क्या है तुम्हारा? रामदेव। रामदेव ये तुम्हारी दुकान है? हाँ मेरी दुकान। वो अलग है कि अलग है? ये ना उसके तो नहीं है ना? ये किस चीज के लिए है? वो 20 रुपए का है, वो कृष्णा का, इधर किधर भी रख सकते हो, छोटा है बड़े है मंदिर के लिए। ऐसा सीधा रख सकते हैं। अच्छा ये एक ही फैदर है लेकिन इसमें ऐसा रख सकते। और ये फैद ये 20 का है, 100 का 6000। 20 का 1 है? हाँ, उसको ही कट के छोटा कर दिया। हाँ, वो समझा, उसको ही कट किया हुआ है। और ये वाले ए 100 का 8 ले लो, 50 का 4 आ जाएगा, वो छोटा छोटा पीस है। बड़े वाले ही चाहिए थे। कितना 5 कितने का दोगे? 100 का 5 6 ले लो, एक ज़्यादा ले। ठीक है दे दो। झाड़ू कितने ला? ये 240 वाला। और ये दिया कैसे दर्जन? 60 रुपया। और ये, और ये छोटे वाले? और 6 ये डिजाइन के और 6 ये डिजाइन के टूटे हुए ना हो बस। वैसे मैं नॉर्मली शॉपिंग अकेले ही करती हूँ क्योंकि मुझे अकेले शॉपिंग करना पसंद है। आई एम अ लोन पर्सन, आई एंजॉय माई ओन कंपनी व्हेन आई एम शॉपिंग स्पेशली। एंड आई थिंक आई एम डन फॉर टुडे शॉपिंग। एंड अब मैं घर जा रही हूँ। आई एम टायर्ड, भूख लगी है, प्यास लगी है। चीज़ें मुझे जो भी चाहिए थी वो मिल गई है, मुझे चूड़ा मिल गया है, मुझे जो पटियाला सलवार चाहिए थी वो भी मिल गई है, कई भी सारी चीज़ें मिल गई हैं मुझे। कुछ लोगों के लिए भी शॉपिंग करनी थी वो भी कर ली है मैंने, तो मेरी शॉपिंग फिनिश हो गई है। अब मैं घर जा रही हूँ। डन विथ माई शॉपिंग, मेरी शॉपिंग फिनिश हो गई है, अब मैं घर जा रही हूँ। बहुत ठंड है, भूख लगी है, प्यास लगी है, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ खाओ नहीं। Please, 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 if you like this video, do subscribe to my channel and give it a thumbs up. And don't forget to press the bell icon. And enjoy your Diwali. Happy Diwali. Bye for now. रेडी होना है ना रियो? चलो फटाफट, मम्मा रेडी कर देगी ना आपको। हाँ हाँ कट कर दो फटाफट। तो ये
ये इतनी सारी मेहनत की है सुबीर ने बनाने के लिए। पहले तुम चलो रेडी हो जाओ, चलो रेडी हो जाओ फटाफट। आई थिंक हो जाएगा, इतना बहुत मेहनत की यार सुबीर तुमने। बस ये चीज ऑन कैमरा नहीं बोलना था। दिए लगा देते दरवाजे पे, दिए नहीं लगे, 8:30 बजे मुहूर्त खत्म हो जा रहा है सुबीर, तो दिए ही लगाना है अभी। तो दिए लगाने में टाइम जाता है ना, और तेल के दिए लगाने हैं, साथ दिए लगाने होंगे बाहर, मम्मी बोला हुआ था। अच्छा तुम खड़े हो तो रियो को सुस्तू करा दोगे क्या और कपड़ा पहना दोगे क्या? हेलो, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से दिवाली मनाइए, हेल्दी दिवाली, सेफ दिवाली, बहुत ज्यादा फटाके ना फोड़े क्योंकि नॉट गुड फॉर बर्ड्स एंड डॉग्स एंड कैट्स एंड नॉट मेनी पीपल इवन फॉर द किड्स। सो हैव अ सेफ वन, हैव अ रिस्पांसिबल दिवाली एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एंजॉय इट, एंजॉय एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ इट। आरू को मिलने वाले वा?
welcomes Nilesh Patil and the family. Happy Diwali! Happy Diwali! Happy Diwali to everyone! Okay, Jiten, please. Happy Diwali! Happy Diwali! Yes, go behind. क्या बोली? बच्चों का ब्लॉग बना। ओ बच्चे, एक आरुण ने जो लगाया वो तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने तो देखा ही नहीं। क्या लगाया? ओ क्यूट क्यूट। अभी अभी थोड़ी देर पहले रियो ने मेरा माइक तोड़ दिया है तो आवाज ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो रही। ये लोग कुछ बदमाशी करने वाले हैं। सुबीर मुझे भी चाहिए। हैप्पी दिवाली। वाह व्हाट अ परफॉर्मेंस। ये बहुत गंदा मुंह डाले यार। वाह कितनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लोग पटाखे फोड़ने में। जितेन इतनी मेहनत नहीं लगती। जितेन थोड़ा थोड़ा सुबीर के हाथ में तो असर हो जाता है। चले चलो 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 इट्स डिनर टाइम। रियो चलो रियो चलो बाबा सब लोग चल रहे चलो। रियो अभी हमें बहुत इंजॉय करो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें खेलने के लिए है। बस बाबा आप धोती में स्लाइड कैसे करोगे? धोती में स्लाइड कैसे करोगे? लास्ट टाइम आपने स्लाइड खेली थी धोती पे और धोती फट गई थी। आगे देख के आगे देख के आगे देख के आ जाओ। हाँ फाउंटेन ना फाउंटेन। फाउंटेन रे होप यू एंजॉयड योर दिवाली लॉट्स ऑफ लव एंड इफ यू लव माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय फॉर नाउ। क्या बोल रहे हैं? हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द येलो टेल्स एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग। सो शॉपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एक्साइटिंग पार्ट ऑफ एनी फेस्टिव ओकेजन एंड स्पेशल दिवाली। कितनी सारी चीजें लेनी होती है, कपड़े लेने होते हैं, गिफ्ट लेने होते हैं, स्वीट्स लेनी होती है, डेकोरेशन वाली चीज़ें लेनी होती है, घर को डेकोर करना होता है और ना जाने कितनी सारी चीज़ें। तो मैं सबसे पहले कर रही हूँ कपड़ों की शॉपिंग। सो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई है और कुछ चीज़ों के लिए मैं अभी मार्केट जाने वाली हूँ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि घर की बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में फिजिकली सामने देख कर ही पसंद आती है। सो जो जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगवाई है वो कल ही डिलीवर हुई है तो मैं वो आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई है तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये फुटवेयर दिखाती हूँ जो मैंने जियो से मंगवाई है और ये कल ही डिलीवर हुए हैं। मैंने इसे ओपन करके देख लिया था बिकॉज मुझे बताना था कि ये अच्छा है या नहीं है, इसे रखना है या नहीं है। तो मैं आपको ये फुटवेयर दिखाती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद आए। एक तो ये बहुत कंफर्टेबल है, अगर आप हील्स नहीं भी पहनना पसंद करते या आप हील्स पहनने में कंफर्टेबल नहीं हो तो इसे पहनकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं भी ज़्यादा हील्स नहीं पहनती हूँ बट इसका बेस इतना अच्छा है, इतना कंफर्टेबल है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस इसकी क्वालिटी और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। सो आई एम कीपिंग इट। एंड देन नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है अमेजोन से अपने प्यारे से बच्चे के लिए ये कुर्ता, ये येल्लो कलर का कुर्ता। तो हम तीनों ने डिसाइड किया है कि हम येल्लो ही पहनेंगे तो ये मैंने अपने छोटे से प्यारे से बच्चे के लिए ऑर्डर किया है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा
और उसे भी बहुत ज्यादा पसंद आया ये, बिकॉज ही इज वेरी चूजी, वो 2.5 साल का है, बट उसे अपने कपड़े सिलेक्ट करना, उसे शॉपिंग करना और ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत पसंद है। तो वो खुद मुझे बताता है, मम्मा मेरे लिए ये मंगा लो, मम्मा मेरे लिए वो मंगा लो, ये मैंने उसके लिए मंगाई है और ये उससे काफी ज्यादा पसंद आई है। इसका फाइनल लुक आपको मेरे आने वाले वीडियोज में जरूर देखने मिलेगा। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाया है येलो कलर का ही कुर्ता, कुछ इसी तरह का, और वो मैंने मंगाया है अजियो से। तो ये मैंने अजियो से मंगाया है, ये भी परसों ही डिलीवर हुआ है, एंड दिस इज सिमिलर टू दैट कुर्ता, एंड दिस इज द कुर्ता। ये सेम है जो मैंने अपने छोटे वाले बेबी के लिए मंगाया है, कुछ कुछ उसी तरह का है। सो हमें येलो येलो पहनना है तीनों को, तो ये मैंने ये कुर्ता मंगवाया है। इसके नीचे मैंने मंगवाई है धोती, बिकॉज मुझे दोनों को धोती सलवार ही पहनाना है, बट इसकी धोती जो है वो इतनी प्यारी नहीं आई है। ये मुझे इसकी धोती भी मैंने अजियो से मंगवाई थी, बट वो इतनी अच्छी इतनी खास नहीं आई है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो सॉफ्ट मटेरियल वाले चाहिए थे। सो मैं अभी देखूंगी अगर कोई टेलर मुझे सिलकर दे दे, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे कौन सा मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल कहाँ मिलेगा वो भी मुझे पता है। सो मैं देखूंगी कोई टेलर शायद मुझे सिलकर दे दे, अगर नहीं सिलकर दे पाया तो मुझे इससे काम चलाना पड़ेगा। तो आज मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ चीज़ें लेनी है, प्लस मुझे मटेरियल लेना है, प्लस मुझे ये चेक करना है कि कोई टेलर मुझे ये धोती वाला सलवार बनाकर दे सकता है या नहीं। सो दिस इज इट। और मैंने कुछ शॉपिंग की है मीशो पे घर की चीज़ें, बिकॉज घर के डेकोरेशन वाली चीज़ें वहाँ पे थोड़ी सस्ती मिल जाती है, सो आई थिंक मीशो इज बेस्ट, आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कपड़ों में एक्सपेरिमेंट करना मीशो पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कभी वो अच्छे आ जाते हैं बट कभी वो बहुत ही बकवास क्वालिटी के आते हैं और बहुत ही यू नो एलेस होते हैं। सो मैंने घर की कुछ चीज़ें मंगाई है, वो अभी तक आए नहीं है, बट मैंने एक बेडशीट का सेट देखा था विद कुशन, तो मुझे बहुत प्यारा लगा, उसका रिव्यूज भी बहुत अच्छे थे और उसके फोटोज भी जो लोगों ने डाले थे वो बहुत अच्छे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वो ऑर्डर किया हुआ है और वो आने के बाद मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इनकेस अगर आपको भी कुर्ता ये पसंद आया और आपको लेना हो, या वो फुटवेयर जो आपने जो मैंने अपने लिए मंगवाई है अगर वो आपको पसंद आई हो और आपको लेनी हो, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। एंड इसके बाद मैं जा रही हूँ मार्केट, और मार्केट में कुछ यू नो दिए लेने हैं, फिर लक्ष्मी पूजन के दिन हमें वो झाड़ू रखना होता है, सो वो लेना है, पूजा की चीज़ें हैं, चुनरी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेनी है। सो मैं वो जाकर अभी शॉपिंग करने वाली हूँ आज, और मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, यहाँ थाने में ही जो थाने का मार्केट है मैं वहीं पर जा रही हूँ। इनकेस अगर मुझे वक्त मिला तो मैं दूसरे मार्केट भी एक्सप्लोर करूंगी, क्योंकि अभी मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए भी कपड़े लेने बाकी है, मैं दिवाली पर उनके लिए भी कपड़े लेना चाहती हूँ, तो उनके लिए कपड़े लेने हैं। और शॉपिंग के लिए और एक दिन जाना पड़ता है, धनतेरस वाले दिन, जब पूजा का सारा सामान लाना होता है, प्लस आपको कोई प्रेशियस मेटल बाय करना होता है, तो मैं हर साल तो नहीं बाय कर पाती, बट इस साल मैंने बुक करती थी, वो अपने गोल्ड के लिए ना थोड़े थोड़े पैसे है ना हमेशा साइड में रखती थी, जो भी उनके पास बचता वो हमेशा साइड में जमा करते रहती थी, और जब उन्हें अपने लिए कुछ गोल्ड लेना होता तो वो उन पैसों से लेती थी। तो मैंने भी वही चीज की और मैंने 5,000 रुपीज जमा किए हैं, और मैंने 15 दिन पहले ही ज्वेलर को अपना एक पुराना इयररिंग दिया और उसे प्यारा सा मंगलसूत्र बनाने के लिए कहा है। सो वो बन भी गया है, वो मुझे फ़ोन कर रहा है कि मैं आकर ले जाऊँ, बट मुझे नहीं लेना है। मैंने उसे कहा कि मैं धनतेरस वाले दिन ही आकर लूँगी और मुझे उसे 5,000 रुपीज़ भी देने हैं, तो ऐसे मेरा जो गोल्ड परचेस करना है धनतेरस वाले दिन वो हो जाएगा, और इस बात के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। तो गोल्ड की शॉपिंग और पूजा के सामान की शॉपिंग होगी धनतेरस वाले दिन। That's it for Diwali shopping vlog. I hope you enjoyed coming along with me. So don't forget to give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more such content. Have a wonderful Diwali. We'll see you soon. Bye for now. So I am exploring Thane street market today. I'm not going to any other far away Mumbai markets because Thane mein sab kuch mil jata hai. So meri shopping ki shuruaat ho rahi hai Kagri market se and it will end at Jamni Naka market. So let's enjoy this shopping. But before that, please subscribe to my channel if you are new. ये कितने का भैया? 200 का जोड़ी। हाँ? 200 का जोड़ी। 200 का जोड़ी। ये 250।
ये कितने का है? 120 का 5। ये कितनी लाए? हाँ हाँ नहीं नहीं थैली नहीं लगेगा, थैली नहीं चाहिए, मैं अपना झोला लेके आती हूँ। ये कितने की है प्राइस तो बताइए। वो ब्लैक कलर की पैंट नहीं आई ना, प्लाजो टाइप ऐसी ब्लैक में। अब बट उस वक्त पितृपक्ष चल रहा था तो मैंने बोला ना, आपने बोला था पर मैंने कहा था कि पितृपक्ष में नहीं लेते, खरीदी नहीं करते, तो मैं जा रही थी, मुझे दिख गया। हाँ पूछ के चली गई, मुझे लगा सर कुछ दिन बाद रहेगा, पर नहीं था। ये आ जाना चाहिए वैसे तो इनको। ठीक है ये वाला दे दीजिए, पूरा सेट है ना ये? इसका पैंट देख और सब पठानी वाला सलवार आता है वैसा है, पठानी सलवार का लगा आज भी वाला पता नहीं है। दो सौ लगा दो, वो है ना 250 वाला, ये है दो फूल वाला है। वो बड़े बड़े फूल है ना, ये छोटे छोटे फूल है, छोटे फूल है, 5 फूल की है। ये कितने का भैया? 300 का है। और ये वाला ये गोल्डन घेऊ पाठा अब हा कितना लगाओगे? 200 लगा दीजिए। अरे 200 ठीक है भैया। हाँ जी भाव नहीं, टेंशन वाला आप किधर भी भाव निकाल सकते हैं। ये कितने का है? उसके पहले 100 रुपए हुआ था क्या? ये कितने लाए? 2 का। 100 रुपए। अंकल ये कितने का है? नहीं भाई, कितने का है? कम 400। ये 400 रुपए दर्जन, यानी 200 रुपए आधा दर्जन। 6 पीस का 200 रुपए। दर्जन ही बेचना, आधा नहीं ऐसा है? आधा आधा मिलेगा क्या? मिलेगा ना। पेपर वाले तीनों में से दो दो दे दो। कितने दे दो? आधा दर्जन, दो दो कलर तीनों में से दे दो, तीन कलर है ना। अच्छा यार धर्मे दो इसमें से दे दो, दो बीच वाला और दो नीचे वाला। दो 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 दो
नहीं नहीं छह ही हाँ छह चाहिए ना, दो इधर से दो इधर से दो इधर से दो 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 नहीं क्या दो 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 कंडोम पीस अरे छह पीस आधा दे दे तब एक ही बात है नाम क्या है तुम्हारा रामदेव रामदेव ये तुम्हारी दुकान है हाँ मेरी दुकान वो अलग है क्या अलग है है ना उसके तो नहीं है ना ये किस चीज के लिए है वो 20 रुपए का है वो कृष्णा का इधर किधर भी रख सकते हो छोटा है वो बड़ा है मंदिर के लिए ऐसा सीधा रख सकते हैं अच्छा ये एक ही फैदर है लेकिन इसमें ऐसा रख और ये फैदर ये 20 का है 100 का 6 आ जाएगा 20 का एक है हाँ, उसको ही कट के छोटा कर दिया हाँ, वो समझा उसको ही कट किया हुआ है और ये वाले ये 100 का 8 ले लो 50 का 4 आ जाएगा वो छोटा छोटा पीस है बड़े वाले ही चाहिए थे कितना पाँच कितने का दोगे 100 का 5 है 6 ले ले एक ज़्यादा ले ठीक है दे दो झाड़ू कितना है ये 240 वाला और ये हाँ 150 दिया कैसे दर्जन हाँ 60 रुपया और ये छोटे वाले और 6 ये डिज़ाइन के और 6 ये डिज़ाइन के टूटे हुए ना हो बस वैसे मैं नॉर्मली शॉपिंग अकेले ही करती हूँ क्योंकि मुझे अकेले शॉपिंग करना पसंद है आई एम अ लोन पर्सन आई एंजॉय माय ओन कंपनी व्हेन आई एम शॉपिंग स्पेशली एंड आई थिंक आई एम डन फॉर टुडे शॉपिंग एंड अब मैं घर जा रही हूँ आई एम टायर्ड भूख लगी है प्यास लगी है चीज़ें मुझे जो भी चाहिए थी वो मिल गई है मुझे झूला मिल गया है मुझे जो पटियाला सलवार चाहिए थी वो भी मिल गई है और भी सारी चीज़ें मिल गई है मुझे कुछ लोगों के लिए भी शॉपिंग करनी थी वो भी कर ली है मैंने तो मेरी शॉपिंग फिनिश हो गई है अब मैं घर जा रही हूँ डन विद माई शॉपिंग मेरी शॉपिंग फिनिश हो गई है अब मैं घर जा रही हूँ बहुत थक गई है भूख लगी है प्यास लगी है बहुत ज़्यादा नहीं कुछ खाऊंगी Please, 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 if you like this video, do subscribe to my channel and give it a thumbs up. And don't forget to press the bell. And enjoy your Diwali. Happy Diwali. Bye for now. चलो फटाफट मम्मा रेडी कर देगी ना आपको हाँ हाँ कट कर दो फटाफट तो ये इतनी सारी मेहनत की है सुबीर ने बनाने के लिए पहले तुम चलो रेडी हो जाओ फटाफट आई थिंक हो जाएगा इतना बहुत मेहनत की यार सुबीर तुमने बस ये चीज ऑन कैमरा नहीं बोलना था
दिए लगा देते, दरवाजे पे दिए नहीं लगे, 8:30 बजे मुहूर्त खत्म हो जा रहा है, सुबह तो दिए ही लगाना है अभी, तो दिए लगाने में टाइम जाता है ना, और तेल के दिए लगाने हैं, साथ दिए लगाने होंगे बाहर, मम्मी ने बोला हुआ था। अच्छा तुम खड़े हो तो रियो को सुसु करा दोगे क्या और कपड़ा पहना दोगे क्या? हाँ शंकर भगवान का शिवलिंग है, शिवलिंग को घर के अंदर नहीं रखते तो ये हमारे यहाँ पर रहते हैं। लैपटॉप की पूजा की और रियो पटाखों की पूजा कर रहा है। हाँ रियो, पटाखों की पूजा कर रहे हो तुम? मैं पटाखों की पूजा कर रहा हूँ। अच्छा पटाखों की पूजा कर रहे हो, बाप रे इतनी सारी पूजा। और फिर फूलों के बाद क्या करोगे रियो? पटाखे फोड़ोगे कब? कब फोड़ोगे? बाबा आप रेडी हो पटाखे फोड़ने के लिए? रियो रेडी हो पटाखे फोड़ने के लिए? तो ये हो गई हमारी दिवाली की पूजा और ये हमारा घर दिवाली रेडी। हेलो, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से दिवाली मनाइए, हेल्दी दिवाली, सेफ दिवाली, बहुत ज्यादा पटाखे ना फोड़े क्योंकि good for birds and dogs and cats and not many people, even for the kids. So have a safe one, have a responsible Diwali and most importantly enjoy it. Enjoy every single moment of it. Aaru ko milne wale ba? Here comes
Nilesh Patil and the family. Happy Diwali! Happy Diwali! Happy Diwali to everyone! Okay, Jiten, please! Happy Diwali! Happy Diwali! Yes, to be right. क्या बोली? बच्चों ओ बच्चे एक आरू ने जो लगाया वो तो मैंने देखा ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, क्या लगाया? ओ क्यूट क्यूट, अभी अभी थोड़ी देर पहले रियो ने मेरा माइक तोड़ दिया है तो आवाज ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो रही। ये लोग कुछ बदमाशी करने वाले हैं। सुबीर मुझे भी चाहिए। हैप्पी दिवाली। What a performance! ये बहुत गंदा फूटा लिया है। वाह कितनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लोग पटाखे फोड़ने में। जितेन इतनी मेहनत नहीं लगती जितेन। थोड़ा थोड़ा तू भी के हाथ में तो आसान हो जाता है। चले। चलो 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 इट्स डिनर टाइम। चलो। रियो चलो बाबा सब लोग चल रहे हैं चलो। रियो आप यहाँ पे बहुत एंजॉय करो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें खेलने के लिए है। बस बाबा आप धोती में स्लाइड कैसे करोगे? धोती में स्लाइड कैसे करोगे? लास्ट टाइम आपने स्लाइड खेली थी धोती पे और धोती फट गई थी। आगे देख के आगे देख के आगे देख के आगे। हाँ फाउंटेन ना, फाउंटेन। Hope you enjoyed your Diwali, lots of love, and if you love my video, please subscribe to my channel and bye bye for now. क्या बोल रहे हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द येलो टेल्स एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग। सो शॉपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एक्साइटिंग पार्ट ऑफ एनी फेस्टिव ओकेजन एंड स्पेशल दिवाली। कितनी सारी चीजें लेनी होती है, कपड़े लेने होते हैं, गिफ्ट लेने होते हैं, स्वीट्स लेनी होती है, डेकोरेशन वाली चीज़ें लेनी होती है, घर को डेकोर करना होता है और ना जाने कितनी सारी चीज़ें। तो मैं सबसे पहले कर रही हूँ कपड़ों की शॉपिंग। सो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई है और कुछ चीज़ों के लिए मैं अभी मार्केट जाने वाली हूँ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि घर की बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में फिजिकली सामने देख कर ही पसंद आती है। सो जो जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगवाई है वो कल ही डिलीवर हुई है, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, तो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये फुटवेयर दिखाती हूँ जो मैंने जियो से मंगवाई है और ये कल ही डिलीवर हुए हैं। मैंने इसे ओपन करके देख लिया था बिकॉज मुझे बताना था कि ये अच्छा है या नहीं है, इसे रखना है या नहीं है। तो मैं आपको ये फुटवेयर दिखाती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद आए। एक तो ये बहुत कंफर्टेबल है, अगर आप हील्स नहीं भी पहनना पसंद करते या आप हील्स पहनने में कंफर्टेबल नहीं हो तो इसे पहनकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं भी ज़्यादा हील्स नहीं पहनती हूँ बट इसका बेस इतना अच्छा है, इतना कंफर्टेबल है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस इसकी क्वालिटी और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, सो आई एम कीपिंग इट। एंड देन नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है अमेजोन से अपने प्यारे से बच्चे के लिए ये कुर्ता, ये येल्लो कलर का कुर्ता। तो हम तीनों ने डिसाइड किया है कि हम येल्लो भी पहनेंगे, तो ये मैंने अपने छोटे से प्यारे से बच्चे के लिए ऑर्डर किया है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा और उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया ये, बिकॉज ही इज़ वेरी चूजी। वो 2.5 साल का है बट उसे अपने कपड़े सेलेक्ट करना, उसे शॉपिंग करना और ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत पसंद है,
तो वो खुद मुझे बताता है मम्मा मेरे लिए ये मंगा लो, मम्मा मेरे लिए वो मंगा लो, ये मैंने उसके लिए मंगाई है और ये उससे काफी ज्यादा पसंद आई है। इसका फाइनल लुक आपको मेरे आने वाले वीडियोस में जरूर देखने मिलेगा। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाया है येलो कलर का ही कुर्ता कुछ इसी तरह का, और वो मैंने मंगाया है अजियो से। तो ये मैंने अजियो से मंगाया है, ये भी परसों ही डिलीवर हुआ है एंड दिस इज सिमिलर टू दैट कुर्ता एंड दिस इज द कुर्ता। ये सेम है जो मैंने अपने छोटे वाले बेबी के लिए मंगाया है, कुछ कुछ उसी तरह का है। सो हमें येलो येलो पहनना है तीनों को, तो ये मैंने ये कुर्ता मंगवाया है। इसके नीचे मैंने मंगवाई है धोती, बिकॉज मुझे दोनों को धोती सलवार ही पहनाना है। बट इसकी धोती जो है वो इतनी प्यारी नहीं आई है, ये मुझे इसकी धोती भी मैंने अजियो से मंगवाई थी बट वो इतनी अच्छी इतनी खास नहीं आई है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो सॉफ्ट मटेरियल वाले चाहिए थे। सो मैं अभी देखूंगी अगर कोई टेलर मुझे सिलकर दे दे, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे कौन सा मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल कहाँ मिलेगा वो भी मुझे पता है। सो मैं देखूंगी कोई टेलर शायद मुझे सिलकर दे दे, अगर नहीं सिलकर दे पाया तो मुझे इससे काम चलाना पड़ेगा। तो आज मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ चीज़ें लेनी है, प्लस मुझे मटेरियल लेना है, प्लस मुझे ये चेक करना है कि कोई टेलर मुझे ये धोती वाला सलवार बना कर दे सकता है या नहीं। सो दिस इज इट। और मैंने कुछ शॉपिंग की है मीशो पे घर की चीज़ें, बिकॉज घर के डेकोरेशन वाली चीज़ें वहाँ पे थोड़ी सस्ती मिल जाती है। सो आई थिंक मीशो इज बेस्ट, आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कपड़ों में एक्सपेरिमेंट करना मीशो पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कभी वो अच्छे आ जाते हैं बट कभी वो बहुत ही बकवास क्वालिटी के आते हैं और बहुत ही यू नो एलेस होते हैं। सो मैंने घर की कुछ चीज़ें मंगाई है, वो अभी तक आए नहीं है, बट मैंने एक बेडशीट का सेट देखा था विद कुशन, तो मुझे बहुत प्यारा लगा, उसका रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे और उसकी फ़ोटोज़ भी जो लोगों ने डाले थे वो बहुत अच्छे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वो ऑर्डर किया हुआ है और वो आने के बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इनकेस अगर आपको भी कुर्ता ये पसंद आया और आपको लेना हो, या वो फुटवेयर जो आपने जो मैंने अपने लिए मंगवाई है अगर वो आपको पसंद आई हो और आपको लेनी हो, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। एंड इसके बाद मैं जा रही हूँ मार्केट, और मार्केट में कुछ यू नो दिए लेने हैं, फिर लक्ष्मी पूजन के दिन हमें वो झाड़ू रखना होता है, सो वो लेना है, पूजा की चीज़ें हैं, चुंदी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेनी है। सो मैं वो जाकर अभी शॉपिंग करने वाली हूँ आज, और मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, यहाँ थाने में ही जो थाने का मार्केट है मैं वहीं पर जा रही हूँ। इनकेस अगर मुझे वक्त मिला तो मैं दूसरे मार्केट भी एक्सप्लोर करूंगी, क्योंकि अभी मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए भी कपड़े लेने बाकी है, मैं दिवाली पर उनके लिए भी कपड़े लेना चाहती हूँ, तो उनके लिए कपड़े लेने हैं। और शॉपिंग के लिए और एक दिन जाना पड़ता है, धनतेरस वाले दिन, जब पूजा का सारा सामान लाना होता है, प्लस आपको कोई प्रेशियस मेटल बाय करना होता है। तो मैं हर साल तो नहीं बाय कर पाती, बट इस साल मैंने वो करती थी, वो अपने गोल्ड के लिए ना थोड़े थोड़े पैसे है ना हमेशा साइड में रखती थी, जो भी उनके पास बचता वो हमेशा साइड में जमा करते रहती थी, और जब उन्हें अपने लिए कुछ गोल्ड लेना होता तो वो उन पैसों से लेती थी। तो मैंने भी वही चीज़ की और मैंने 5000 रुपीस जमा किए हैं, और मैंने 15 दिन पहले ही ज्वेलर को अपना एक पुराना इयररिंग दिया और उसे प्यारा सा मंगलसूत्र बनाने के लिए कहा है। सो वो मुझे वो बन भी गया है, वो मुझे फ़ोन कर रहा है कि मैं आकर ले जाऊँ, बट मुझे नहीं लेना है। मैंने उसे कहा कि मैं धनतेरस वाले दिन ही आकर लूँगी और मुझे उसे 5000 रुपीस भी देने हैं, तो ऐसे मेरा जो गोल्ड परचेस करना है धनतेरस वाले दिन वो हो जाएगा, और इस बात के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। तो गोल्ड की शॉपिंग और पूजा के सामान की शॉपिंग होगी धनतेरस वाले दिन। That's it for Diwali shopping vlog. I hope you enjoyed coming along with me. So don't forget to give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more such content. Have a wonderful Diwali. We'll see you soon. Bye for now. So, मैंने 1.5 साल तक लिया, मेरे बच्चे ने 2 साल तक फीड किया था, बट धीरे धीरे उसका फीडिंग कम हो गया था, तो मैंने 1.5 साल में ये गोलियां बंद कर दी थी। सी हमारे रोज के खाने में हमको इनफ कैल्शियम आयरन नहीं मिलता है, और आपको आपके बच्चे के लिए एक्स्ट्रा कैल्शियम और आयरन की ज़रूरत होती है जब वो फीड कर रहे होते, तो इट इज़ बेटर कि आप टैबलेट लें, टैबलेट लेना ही सेंसिबल है। सी अगर आप अभी ध्यान नहीं दोगे तो आगे जाकर आपको बैक पेन और घुटनों का दर्द जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी हमारे स्किन और हेयर भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं।